जिंदगी धक्के तो केवल जिंदा इंसान को ही मारती है कि अगर उनमें कुछ कर गुजर जाने का जज्बा हो तो वो उठ खड़े हों, वरना लाशों को कौन पूछता है। ये कहानी है बनारस के अलाईपुरा इलाके में रहने वाले 12 साल के गोविंद की, जिसकी बचपन में ही पढ़ाई में बहुत रुचि होती है। सबसे ज्यादा नंबर गोविंद जायसवाल के हैं। ए साले, गरीबों की पैदाइश, निकल मेरे घर से। सर, हमको जिंदगी के बारे में जानना था कि तुम देश की सबसे बड़ी नौकरी लेखपाल या कांस्टेबल की करो। और अब तो तुमने 15वीं भी पास कर लिया है। यही लिए सबका मन रहा है तुमको ऑटो दिला दिया जाए। वक्त के साथ जिंदगी तो कटती जा रही थी, लेकिन उसी गुजरते वक्त के साथ आईएएस बनने का जुनून मेरे सिर पर चढ़ रहा था। अगर हर तैयारी करने वाला इंसान डीएम बन जाए तो ये देश डीएम से भर जाएगा। तुमसे कितनी बार बताया है कि अपना कूड़ी भाड़ा लेके रोड पे मत बैठा करो, समझ में नहीं आता तुम्हारी? कुछ भी हो जाए दीदी, फोन मत करिएगा। बस कुछ ही दिन तो मेरे पास है बच्चे, आइदर फोकस हिट और लूज इट, ये दो शब्द है बच्चे। पढ़ाई को मैं लेने लगा जैसे कोई नशे, मैं डूबा रहूं। अरे यार, सब जान जाओगे भाई, दिल्ली तो हब है यूपीएससी का। हम सुने हैं कि तुम यूपीपीसीएस का मेंस नहीं देने जा रहे। मंजिल को ना भूल पाऊं, ये सदमा आ गया, उसके बिना लगे जैसे कोई दफना के गया। मना तो नहीं करना चाहिए। ममता, जैसी जिंदगी चल रही है तुम लोगों की, हम तो कहते हैं झाड़ू को पोछा बर्तन का काम पकड़ लो दूसरों के घरों में। बेटा, खूब मन लगा के पढ़ो। अरे लोगन का तो काम है कहीं ना। अब मैं अपने पिताजी की जिम्मेदारी नहीं था, बल्कि मेरे पापा अब मेरी जिम्मेदारी बन चुके थे। गोविंद, बदल दे अपने परिवार का बैकग्राउंड।